हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विवेक तिवारी फ्रॉम गवर्नमेंट राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर। आई हैव स्टार्टेड लेक्चर सीरीज ऑन द डेटाबेस कनेक्टिविटी इन विजुअल बेसिक। दिस इज माई सिक्स लेक्चर ऑन दैट सीरीज एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट हाउ टू एड रिपोर्ट्स इन योर प्रोजेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। सो वॉट वी लर्न इन दिस लेक्चर इज दैट first we will learn about the reports concept, what is data report, how to add a report on your project, what is data environment, how to connect your database with your data environment, how to add groups in your report. So this all topic we will discuss about. So let's start the concept. For that you have to visit your Microsoft Visual Studio 6.0. So I'm going to start my Microsoft Visual Studio 6.0. Okay, click on the software. Now create one more standard exe file. Double click on that. Now we will get one blank form. Now go to the project 1. Right click on the project 1 and click on add. Then data environment. This is the process. First, we have to right click on the project one, then add, then select data environment. Data environment हमने create किया है. Data environment database connectivity के लिए बहुत ही ज़्यादा important होता है. तो हमने data environment create किया. अब आपके screen पे data environment दिख रहा है आपको. अब उसमें connection one पे जाइए. Connection one पे आप right click कर दीजिए. Right click करने के बाद इस पे अब properties में चले जाइए. जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ये बिल्कुल पुराना स्टेप है जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग स्टैब्लिश करने के लिए किया था. अब इसमें से जिस भी डाटाबेस में आपको कनेक्टिविटी करनी है, जैसे कि अगर आपको एसक्यूएल सर्वर में करना है, एक्सेस में करना है, तो अब उस डाटाबेस को आप चूज़ कर सकते हो. तो हमने पहले भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डाटाबेस क्रिएट किया था एम्प्लॉई डीबी के नाम से. उस डेटाबेस के थ्रू हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट Z4.0 OLEDB प्रोवाइडर. ये सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना होगा आपके डेटाबेस का नाम. नाउ सर्च योर डेटाबेस इन योर मशीन, दैट इज़ दिस इज़ माय डेटाबेस, आई हैव सेलेक्टेड दिस डेटाबेस. अगर उसका पासवर्ड है तो आप यहाँ पे पासवर्ड दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक रहने दीजिए. टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करके देखिए कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है. यहाँ देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है. इसके बाद इसको सिर्फ आपको ओके पे प्रेस करना है. अब आपका जो कनेक्शन है वो आपका डाटाबेस से कनेक्टिविटी हो सकता है. तो डाटाबेस कनेक्टिविटी का बहुत ही सिंपल स्टेप है कि डेटा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कनेक्शन वन पे जाके प्रॉपर्टीज पे जाके आपने जो भी डाटाबेस सेलेक्ट किया था उसको आपने यहाँ से बाइंड कर दिया है. अब डाटाबेस कनेक्टिविटी तो हो गया. इसके बाद डाटाबेस कनेक्टिविटी के बाद उस डाटाबेस से कौन सा रिकॉर्ड फैच करना है, ये है इस पर हमको काम करना है. तो इसके लिए कनेक्शन वन पे आप राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करने के बाद उसमें ऐड कमांड कीजिए. एक नया कमांड ओपन हुआ. इस कमांड में प्रॉपर्टी सेक्शन में जाइए. प्रॉपर्टी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहला जो दिख रहा होगा कमांड नेम का नाम है कमांड वन. कनेक्शन अभी जो हमने इस्टेब्लिश किया है कनेक्शन वन वो है. अब सोर्स ऑफ डेटा में आप जाइए एसक्यूएल स्टेटमेंट. SQL स्टेटमेंट के बारे में मैंने पहले ही बताया है. SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच इज इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कनेक्ट विथ योर डेटाबेस. नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन सेलेक्ट क्वेरी टू फेच सम डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस. आई एम गोइंग टू राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP इज माई टेबल नेम. आई एम गोइंग टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ EMP टेबल बाय दिस SQL स्टेटमेंट. नाउ क्लिक ऑन ओके. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कमांड वन से हमने डेटा भी फेच कर दिया. अब यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करके देखिए तो ये जो AMP टेबल के जो चारों रिकॉर्ड है वो हमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. मतलब अब हमारा जो कनेक्शन है वो सेट हो चुका है. तो अभी हमने देखा कि डाटा इन्वायरमेंट को हम कैसे ऐड करें. बहुत ही आसान प्रोसेस है. राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट पर, डाटा इन्वायरमेंट को ऐड कर दीजिए, कनेक्शन से डाटाबेस को बाइंड कर दीजिए, उसके बाद एक उसमें नया कमांड क्रिएट कर लीजिए. अब जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट में लेके आना. रिपोर्ट लाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है. प्रोजेक्ट वन पे जाके आप राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करें. ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक डाटा रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है. डाटा रिपोर्ट पे
आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डेटा रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, आपका एक रिपोर्ट का विंडो ओपन हो जाता है। इस रिपोर्ट के विंडो को आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस रिपोर्ट के विंडो में बहुत सारे सेक्शंस आपको दिख रहे होंगे। ये डिजाइनर, इसका डिजाइनर विंडो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस सेक्शन में देखिए, जो सबसे पहला सेक्शन है वो है रिपोर्ट हेडर सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन, ये है रिपोर्ट हेडर सेक्शन। इस पे जो भी आप लिखोगे वो रिपोर्ट का हेडिंग कहलाता है। फिर एक पेज का हेडर सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो पेज हेडर है। यहाँ पे आप डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप डिटेल लिख लीजिए। जो भी डिटेल आपको प्रिंट कराना है रिपोर्ट पे, आप उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पेज फुटर, इस पेज के लास्ट में एंड नोट कुछ आप देना चाहते हैं तो आप पेज फुटर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली रिपोर्टिंग हम यूज़ करते हैं कोई भी, जो हमारा डाटाबेस के थ्रू हमने जो रिकॉर्ड फैच किया है या जो भी कुछ आउटपुट हम प्रोग्राम के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, उसको एक ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट करना जो कि यूज़र के लिए देखना आसान हो, उसको प्रिंट करना आसान हो। तो ये सारे काम हम डाटा रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में हमने देखा कि यहाँ पे 5 सेक्शन दिख रहे हैं, रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल सेक्शन, पेज फुटर सेक्शन और रिपोर्ट फुटर सेक्शन। इसको हम अकॉर्डिंगली आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। अब हम इसमें डिज़ाइन चालू करते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट हेडर सेक्शन में जाते हैं, रिपोर्ट हेडर सेक्शन में राइट क्लिक करते हैं और उसमें एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं। लेबल इंसर्ट करने के बाद, ये मैंने लेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। लेबल इंसर्ट करने के बाद इसके कैप्शन प्रॉपर्टी में मैं गया। कैप्शन प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसमें मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड। मैंने लिख दिया इसको एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड लिखने के बाद इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टी को जाके मैं कुछ सेट कर लेता हूँ, ये कुछ बोल्ड फेस में दिखे, ताकि क्योंकि ये हेडिंग है इसलिए उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे मैंने कर दिया बोल्ड और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब पेज हेडर सेक्शन में जाते हैं। अब मैं अपने रिपोर्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ। रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ एक लेवल आया। लेवल के कैप्शन में मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय का नंबर। एम्प्लॉय नंबर एक सेक्शन है। दूसरा लेवल मैंने लिया, दूसरे लेवल के कैप्शन पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नेम। तीसरा लेवल मैं लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे कैप्शन पे मैं लिख देता हूँ जॉब। फिर एक और मैं लेवल ले लेता हूँ, इसके कैप्शन पे लिख दिया मैंने सैलरी। पेज हेडर सेक्शन पे मैंने 4 लेबल लिए हैं। चारों लेबल के कैप्शन प्रॉपर्टी को मैंने सेट कर दिया है। पहले में एम्प्लॉय नंबर लिखा है, दूसरे में एम्प्लॉय का नेम लिखा है, तीसरे में जॉब लिखा है, चौथे में मैंने सैलरी लिखा है। अब डिटेल सेक्शन में आइए। डिटेल सेक्शन में आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कंट्रोल करें, आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर इंसर्ट कंट्रोल करके फिर से 4 टेक्स्ट बॉक्स में लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं। चारों टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप इसमें जो भी आप इसमें सेट करना चाहें, मैंने चारों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉन्ट ऑप्शन पे गया। फॉन्ट ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने इसको कर दिया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं सेट कर रहा हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 12। ओके, तो ये सेट हो गया। अभी आपकी रिपोर्ट में आप क्लिक करिए, रिपोर्ट को सेलेक्ट करिए, रिपोर्ट की प्रॉपर्टी में जाइए। रिपोर्ट की प्रॉपर्टी में आप सेट कर दीजिए डेटा सोर्स को डेटा एनवायरनमेंट 1 और डेटा मेंबर को आपको सेट करना होगा कमांड 1। यहाँ पे मैंने कमांड 1 कर दिया है। रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लिया है। रिपोर्ट डिज़ाइन करने के बाद रिपोर्ट की प्रॉपर्टी में हमको 2 प्रॉपर्टी सेट करनी है। एक प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स और दूसरी प्रॉपर्टी है डेटा मेंबर। डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को हमने सेट किया डेटा एनवायरनमेंट 1 जो हमने पहले क्रिएट किया था, और डेटा मेंबर प्रॉपर्टी को कर दिया कमांड 1। अब वापस से रिपोर्ट के अंदर चले, हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, टेक्स्ट बॉक्स को हमने बाउंड नहीं किया था। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद जो डेटा मेंबर प्रॉपर्टी है उसको आप सेलेक्ट करिए कमांड 1 और डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को आप सेट करिए पहला फील्ड, जो भी फील्ड आप देना चाहते हो। तो यहाँ मैं एम्प्लॉय नंबर के लिए बाउंड करना चाहता हूँ, यहाँ मैं एम्प्लॉय नंबर को सेलेक्ट कर लूँगा। दूसरे फील्ड में जाइए, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की भी डेटा मेंबर प्रॉपर्टी को आप सेट कर लीजिए कमांड 1,
डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को सेट करिए एम्प्लॉय नेम। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। डेटा मेंबर प्रॉपर्टी को सेट कर लीजिए कमांड वन, और जो डेटा फील्ड प्रॉपर्टी है उसको आप सेट करिए सैलरी। चौथे प्रॉपर्टी में जाइए, फिर से प्रोसेस को रिपीट करिए, डेटा मेंबर आप सेलेक्ट करिए कमांड वन और डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को सेट करिए जॉब। तो अब आपका ये रिपोर्ट बन के तैयार है, बाउंडेड भी है, आपने इसको डाटाबेस से बाइंड भी कर लिया है। तो इस प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने क्रिएट किया था एक नया प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट में हमने ऐड किया डाटा इन्वायरमेंट, डाटा इन्वायरमेंट में हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद उसमें एक नया कमांड लेके आया, कमांड से डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने एक नया डाटा रिपोर्ट किया, डेटा रिपोर्ट को हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसके दो प्रॉपर्टी को हमने जाके सेट किया, जिसमें एक प्रॉपर्टी था डाटा सोर्स जिसको हमने किया डाटा इन्वायरमेंट वन, दूसरा प्रॉपर्टी था डेटा मेंबर जिसको हमने किया कमांड वन। उसके बाद रिपोर्ट के टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में गए और उसको बाउंड कर दिया मेंबर से। तो उसके लिए भी दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, डेटा मेंबर प्रॉपर्टी सारे टेक्स्ट बॉक्स की होनी चाहिए कमांड वन, और जो डेटा फील्ड है वो आप अप्रोप्रिएटली जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर लीजिए। इसके बाद आप अपने फॉर्म पे जाइए, एक ब्लैंक फॉर्म आपको मिला हुआ है, फॉर्म पे जाइए, फॉर्म में एक बटन पेस्ट कर लीजिए, एक बटन मैंने पेस्ट कर दिया है, बटन के कैप्शन पे लिख दीजिए डिस्प्ले रिपोर्ट, एक कैप्शन पे मैंने लिख दिया। डिस्प्ले रिपोर्ट को डबल क्लिक करें, कमांड विंडो ओपन होगा, इस पे आप कोड लिखिए, आप कोड लिखें डेटा रिपोर्ट वन डॉट शो, बस ये आपका आपका कोडिंग कंप्लीट हुआ। अब इस प्रोजेक्ट को रन कर दीजिए, जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे आपके फॉर्म पे एक बटन दिखेगा, उस बटन पे क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपको आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। देखिए हमने जैसे डिज़ाइन किया था बिल्कुल वैसा ही हमारा रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो हेडिंग था वो आया हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी, तो जो भी रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में था वो पूरा का पूरा हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें जैसे इसको करना चाहे, इसको प्रिंट करना चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने डेटा रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक और चीज़ जो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट को आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रिपोर्ट सेक्शन में हम गए, रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद इस पे आप देखिए कहीं आप राइट क्लिक करिए, कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दीजिए, इसमें बहुत सारे कंट्रोल दिख रहे हैं। एक है इंसर्ट कंट्रोल, यहाँ से जाके आप कंट्रोल इनपुट कर सकते हैं, लेबल का ऑप्शन है, इमेज ला सकते हैं, लाइन है, शेप ला सकते हैं, करेंट पेज नंबर ला सकते हैं, करेंट डेट, ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। रिपोर्ट का टाइटल आप सेट कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट ग्रुप हेडर एंड फुटर, अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ऐसा कोई क्वेरी लाना चाहते हैं जिसमें ग्रुप के हिसाब से परफॉर्मेंस हो, तो आप ग्रुप हेडर और फुटर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रिपोर्टिंग के साथ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से हम डेटा इन्वायरमेंट लेके आते हैं, कैसे उसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम उस पर कमांड ऐड करते हैं, रिपोर्ट क्या होता है उसको कैसे डिज़ाइन अप करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद उसको डाटाबेस से अपने डेटा एनवायरनमेंट से किस तरीके से बाइंड करते हैं, और उसको फॉर्म से किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कंडीशनल रिपोर्टिंग क्या होती है। हम अभी तो हमने देखा कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड क्वेरी करना चाहते हैं तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।